Hello and welcome back to my channel. Okay, so mic और necklace की साथ में जगह नहीं है, so that's why I'm just adjusting it. I hope I look good because I have shot 3 videos today and अभी मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ. Okay, so today is going to be a Meesho haul. It's going to be a random haul, like it's not specifically about sarees जैसे हमने पिछले वाला किया था. अगर आपने मेरा मीशो सारी हॉल नहीं देखा है देन जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड जस्ट वॉच इट एंड फिर वापस इस वीडियो पे आइए एंड फिर इस वीडियो को देखिए. एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू हैव एवरीथिंग लाइक सारीज ब्लाउजेज. देर इज़ अ कुर्ता सेट, देर इज अ सारी एंड अ ब्लाउज सेट एंड बहुत कुछ है, डिफरेंट है. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सारी ऑन द हॉल टुडे विच इज़ दिस वन राइट हियर. ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी नेट की साड़ी है एंड मैं ज़्यादातर नेट की साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ बिकॉज इट्स रियली ट्रांसपेरेंट एंड इट डज फिर वो क्या है ना, बहुत लिमिटेड हो जाता है. बहुत लिमिटेड ओकेजन्स पे पहन सकते हो. यू कैन नॉट वेयर इट टू मंदिर, यू कैन नॉट वेयर इट टू समबडीज हाउस, यू कैन ओनली लिमिटेड टू यू नो फैशन पार्टीज जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला, सो उन्हीं पार्टीज पे हो सकता है. बट स्टिल हाउ एवर आई लाइक द कलर सो आई गॉट इट एंड दिस इज द कलर. आप देख सकते हैं दिस इज सच अ प्रिटी कलर. आई विल इंसर्ट अ वीडियो सो आप ठीक से देख सकें. एंड इसके साथ एक ब्लाउज पीस भी आता है ऑफ अ सिमिलर कलर बट इसका मटीरियल थोड़ा सा डिफरेंट है. ऑल्दो आई डोंट लाइक दिस मटीरियल, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द मटीरियल. सो मैं अगर इसका ब्लाउज बनाती भी हूँ तो आई विल जस्ट कट इट ऑफ, कट दिस लेस फ्रॉम हियर एंड आई विल स्टिक इट टू सम अदर क्लॉथ विच इज़ मोर ड्यूरेबल एंड विच इज़ मोर कम्फर्टेबल इन द लॉन्ग रन. सो इसके ब्लाउजेज मत बनाना, इट लुक्स रियली चीप. ओके, सो दिस साड़ी आई बॉट फॉर रुपीज़ 380 or 400, I'm not sure. And apart from that, I think 300 rupees mein, 380 or 400 rupees mein, this sari is absolutely worth it. So, मैंने एक पहले भी वीडियो किया था जिसमें गोल्डन ऑर्गेन्जा साड़ी थी एंड ये भी उसी प्राइस रेंज में है एंड बोथ ऑफ देम आर रियली गुड. आई थिंक आई मस्ट से कि मीशो इज़ रियली रियली गुड व्हेन इट कम्स टू साड़ीज एंड ब्लाउजेज. आई मीन इंडियन वेयर जो है वो मीशो पे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिलता है एंड कभी कभी तो मिंत्रा पे जो चीज़ मिल रही होती है सपोज 1000 रुपीज़ में, वो आपको मीशो पे सिर्फ 200 या 300 रुपये में मिल जाती है. आई नो इट्स अ ड्यूप, इट्स नॉट एन ओरिजिनल ब्रांड बट की फ़र्क पड़ता है. इंडियन वेयर में इतना ज़्यादा किसी को कुछ समझ में नहीं आता है. सो इट्स ग्रेट एंड ओवरऑल आई लाइक द कलर. मेरे पास इसका रेडीमेड ब्लाउज नहीं था तो आप देख सकते मैंने इसके साथ सिल्वर कलर का ब्लाउज पेयर किया है बिकॉज इसमें सिल्वर कलर की बॉर्डर दी गई है. बट ऑल्दो आई विल स्टिल रेफर के आप इसी सेम कलर का ब्लाउज इसके साथ पहने एंड क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है प्लीज़ ब्लाउज ऐसा सिलवाइए जो यहाँ से बंद हो. Because if you stitch blouse like this, जो इतना deep है and all that, it's not going to cover anything. And क्योंकि ये transparent है everything will be seen and it's not very comfortable for many locations. So ऐसा मत करिएगा. So yeah, that was this saree on the haul. I like this saree 380 rupees में, it's absolutely worth it. थोड़ा सा ब्लाउज में आपको देखना होगा कि थोड़ा डीप नेक ना हो, अदर देन दैट इट्स अ वेरी प्रिटी साड़ी. डे फंक्शंस में तो इट विल लुक वेरी 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 ब्यूटिफुल. So thumbs up from my side. Moving forward to the next item on the haul and that is this beautiful kurta set right here. And ये बहुत ही अच्छा dark pink या रानी pink color का kurta है which has a golden work on it. I mean I will insert pictures so you can see. मैं इसको आपको नहीं दिखा पाऊंगी पूरा. It's a very pretty kurta and ये material भी काफ़ी अच्छा है. It has been अराउंड 3 to 4 वॉशेज एंड मैंने इसको एक आध महीने पहले लिया था एंड दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एंड आई थिंक आई विल रिकमेंड इट. आई बॉट इट फॉर रुपीज़ 580 समथिंग ऑन द सेल एंड 580 रुपीज़ में ये अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ प्लाजो. इट्स जस्ट अ नॉर्मल ट्राउज़र पैंट, आप देख सकते हैं इट्स एंड काफ़ी नॉर्मल है. एंड बस मुझे एक ही शिकायत है इस कुर्ता सेट से, दैट द टॉप इज़ फाइन. लाइक ऑल्दो इट डज़ मेक मी लुक स्लाइटली
हैवी फ्रॉम माई हिप एरिया बिकॉज उसका शायद कटिंग ठीक नहीं है. एंड दैट इज़ वन पॉइंट दैट आई डोंट लाइक. सेकेंड पॉइंट दैट आई डोंट लाइक इज सो इसका जो पैंट है, ऑल्दो मैंने इसे एक्सेल साइज में ऑर्डर किया है तो एक्सेल साइज तो नहीं, सो डबल एक्सेल साइज में ऑर्डर किया है तो डबल एक्सेल तो फिट हो जाना चाहिए आराम से, बट स्टिल आई थिंक इसका जो प्लाजो, इसका जो पैंट है वो मेरे थाइज से थोड़ा सा फिटेड है एंड आई डोंट लाइक फिटेड क्लोथ्स अ लॉट. सो ये एक बमर है कि सही साइज़ तो जाने दो, बड़ी साइज़ ऑर्डर करने के बाद भी इट्स नॉट फिटिंग. तो अगर मैं मेरी रेगुलर साइज़ ऑर्डर करती तो जाता ही नहीं मेरा पैर उसके अंदर. सो दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. प्लीज़ एनालाइज द रिव्यूज़ एंड अगर नहीं पसंद आए तो रिटर्न टाइम के अंदर रिटर्न कर दो बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर. सो दैट वॉज द कुर्ता सेट. ऑल्दो आई लव द कुर्ता सेट, अगर आप दो तीन साइज़ बड़ा ऑर्डर करते हैं तो डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा एंड 580 रुपीज़ में आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट. सो गो अहेड विद इट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस ब्लाउज राइट हियर. ये बहुत ही डिफरेंट तरह का ब्लाउज है एंड आपको इसका जो फोटो है, मैं जो वेबसाइट पे है ये फोटो है ना, आपको देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये क्या कार्टून सा है. बट मुझे भी पहले ऐसा लगा था बट देन मैंने इसको क्लोजली देखा एंड देन इसके रिव्यूज़ देखे एंड आई रियली थॉट कि इट्स अ वेरी वर्सेटाइल पीस जिसको बहुत सारे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं. सो आई थॉट के चलो ले लेते हैं एंड आई बॉट दिस फॉर रुपीज़ 280 और 300, उससे ज़्यादा नहीं था. And this is how it looks. You can see. Although I'm not vouching for the material. Material उतनी अच्छी quality का नहीं है. But still you can work with it. 200-300 रुपये में और क्या ही मिलता है. तो this is the sleeves. It थोड़ी सी puffy sleeves है यहाँ पर and यहाँ पर थोड़ा सा closing है. यहाँ पर embroidery work दिया हुआ है. It's not printed. It's embroidery. ध्यान से देखेंगे तो it's embroidery. And यहाँ पर cups दिए हुए हैं. So even if you want to skip wearing a bra, you can skip. And apart from that, इसका जो neckline है वो ऐसा है and यहाँ से ऐसे करके you can just tie it around. So you can see better in the videos and pictures जो मैंने यहाँ पर डाल दूँगी. So आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी प्रिटी ब्लाउज. इसके साथ साड़ीज तो जाएंगी ही जाएंगी फर्स्ट. सेकेंड, इसके साथ नवरात्रि के टाइम पे आप लहंगे भी स्टाइल कर सकते हैं. लाइक वो जो चनिया चोली वाला, सिर्फ चनिया है अगर आपके पास, ब्लाउज आपका टाइट हो गया है जो मेरे साथ हर बार का प्रॉब्लम होता है. सो दैट टाइम्स पे यू कैन यूज़ दिस एंड इसमें कलर्स भी थे. आई गेस देयर वाज येलो, रेड एंड ग्रीन अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लैक. आई चोज ब्लैक बिकॉज ब्लैक इज़ समथिंग जो हर ड्रेस पर चला ही जाएगा एंड आई कैन वर्क विथ इट. सो इट्स नाइस. इसका बैक भी बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल 300 रुपये में आई थिंक इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट. एंड आपको कलर चॉइसेस भी मिल रहे हैं. सो इनकेस आपका कोई पर्टिकुलर ड्रेस है या पर्टिकुलर साड़ी है जिसके साथ आपको ये पेयर करना है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे. सो थम्स अप फ्रॉम माई साइड, गो अहेड. And the next piece on the haul is this one right here. इसके बारे में मैंने एक separate video बनाया हुआ है, मनीष मल्होत्रा सारी ड्यूप करके एक video है. If you haven't watched that video, click on this link right here and watch it. So वहाँ पर मैंने इसके बारे में और detail में बात की है, but to tell you कि ये मैंने sale में लिया था and I'm very happy with the purchase. Like it's very shiny. You know I have a love for shiny things. वो मुआना में the crab who used to collect shiny things is my spirit animal. So I love shiny things and this is something जो एकदम मेरे genre में बैठता है और मुझे ऐसा लगा कि चलो तुरंत grab कर लो and I just grabbed it. And plus मुझे लगा कि ये कितना 95% या 97% dupe है of the original saree that Kiara Advani is wearing. ओरिजिनल ड्यूप है. लाइक मिंत्रा पे, मीशो पे बहुत सारी इसके बहुत ड्यूप्स मिलते हैं एंड आई हैव इवन ट्राइड सम बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती. बट विद दिस वन 930 रुपीज़ में आई थिंक ये तो वरदान है, वरदान. यू जस्ट हैव टू बाई इट. ओके, सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर डिटेल में कि क्या है, कैसे है, क्या है, देन वॉच दिस वीडियो राइट हियर. वहाँ पर मैंने और डिटेल में बात की हुई. बट अदर देन दैट, इफ़ यू वॉन्ट माई वोट फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट. थम्स अप. Okay, so the final product on the haul today is this saree right here. ये saree और blouse का set आता है but unfortunately मुझे ये return कर देना पड़ा.
बिकॉज आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर ही सम देर इज़ सम प्रॉब्लम सम इशू कि मुझ पे सब कलर सूट होते हैं, लाइक एवरी कलर लुक्स गुड ऑन मी, आई लव कलर्स, आई वाउच फॉर कलर्स. मैं सिर्फ ब्लैक और वाइट पहनना पसंद ही नहीं करती, बट ये जो फ्लोरोसेंट कलर है ना, ये फ्लोरोसेंट ये कलर मुझ पे कभी भी सूट नहीं करता. ये फ्लोरोसेंट पीच कहो या जो भी कलर है, ये मुझ पर कभी भी सूट नहीं करता. आई जस्ट बॉट इट बिकॉज इट वॉज लाइक 700 rupees में यू आर गेटिंग द साड़ी एज वेल एज द ब्लाउज, सो मुझे लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग डील है यार, लेट्स जस्ट ग्रैब इट. एंड मैं ये भूल गई कि ये कलर मुझ पर सूट नहीं करता. इट जस्ट मेक्स मी लुक डार्क और पता नहीं मेरे फीचर्स निखर के नहीं आते एंड ऑल दैट. एंड प्लस द ब्लाउज वॉज नाइस बट आई डोंट लाइक द फिट. यू नो ये जो रेडीमेड ब्लाउजेज आते हैं ना, इट्स वेरी हिट एंड मिस. अगर आपके फिगर का आपके साइजिंग का मिल गया तो सही है यार, कमाल की बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस मोस्ट ब्लाउजेज में ना फिटिंग ठीक से आती ही नहीं है. सो आई डोंट लाइक द फिट, आई लाइक टेलर मेड ब्लाउजेज ओनली. एंड सेकेंड चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, मुझे लगा कि इसके साथ बेल्ट आने वाला है, बट इन्होंने ब्लाउज के नीचे ही एक ऐसा कप्पा दे दिया था, वहाँ से आपको अपना पल्लू घुसाना है और यहाँ पर ऐसे करना है. सी फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसके पास जो हमेशा लेट है एंड जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई वॉन्ट थिंग्स टू मूव क्विकली. मेरे पास टाइम नहीं है पल्लू को प्लीट करने का, इसके अंदर से डालने का, यहाँ पे पिन करने का, इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास. एंड अगर टाइम है भी तो मैं वो ठीक से कर ही नहीं पाऊँगी. सो फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ क्लमजी एंड लेजी इनफ, दिस साड़ी इज़ नॉट इट. सो दैट्स वाई आई रिटर्न इट. बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहना चाहूँगी कि ये साड़ी का जो ब्लाउज पीस है, इट्स अमेजिंग. मतलब ब्लाउज जो है उसका क्वालिटी अमेजिंग है, उसके अंदर लाइनिंग आती है विच इज़ ग्रेट. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ट्रांसपेरेंट है या हल्का मटेरियल है, ऐसा नहीं. क्वालिटी अच्छी है, अंदर लाइनिंग भी दी हुई है, साड़ी की क्वालिटी भी अच्छी है, इट हैज़ रफल्स ऑल ओवर इट एंड बेल्ट भी ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ गुड. द प्रॉब्लम इज़ मी, आई डिड थिंक कि ये कलर मुझ पर सूट नहीं होगा. सो इफ़ यू आर समबडी जिस पे फ्लोरेसेंट कलर्स और ये पीच कलर सूट होता है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी. इफ़ यू आर नॉट क्लम्जी, आपको प्लीट्स बनाना आता है, तो वेल एंड गुड. अगर आप टाइम पे तैयार हो जाते हैं तो ग्रेट. एंड अगर आप ये फ्लोरेसेंट कलर सूट होता है तो बहुत ही बढ़िया साड़ी, इट्स एन अमेजिंग परचेज. सो या दैट वॉज 5 items टूडे एंड दैट वॉज इट फॉर द हॉल. आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Bye-bye.